So just tell me one thing, any one of you, what do you understand by respiration and what do you understand by breathing? What do you understand by respiration and what do you understand by breathing? Tell me, are they same or are they different? Anyone? Different in what context, if you like to tell? क्या चीज डिफरेंट है उनमें? बर्निंग कैलोरीज आर टेकिंग इन एयर, नॉट रियली. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. ब्रीदिंग इज द इनटेक एंड एक्सहेल ऑफ एयर. करेक्ट. That is the correct answer. So breathing is just a part of respiration, you can say. Breathing is just the inhaling and exhaling. That itself is breathing. And respirations is a process which is considered a cellular process. Like that happens inside a cell. वो cell के अंदर होता है वो respiration. तो वो cell के अंदर क्या-क्या चीजें होती है? That we have to do in this particular chapter. So I have directly given my notes only. डायरेक्टली मैंने अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं वही यहाँ पे डाल दिए हैं. इट इज़ वेरी इजी. द चैप्टर इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी, अगर हम इजीली स्टेप वाइज चलें तो. ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट्स जस्ट द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज नथिंग बट ब्रीदिंग. बट रेस्पिरेशन क्या है? देखो, फर्स्ट वी विल रीड द डेफिनेशन एंड देन आई विल टेल यू. सी, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, that is sucrose, starch, glucose, etc. are broken down through oxidation. Oxidation से उन जितने भी हमने प्लाजे से हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, humans eat different kind of foods like proteins, carbohydrates, fats and everything we eat, and then that food is broken down. और तब उस food को हम break down करते हैं during different processes that we will study in the next unit. तो डिफरेंट प्रोसेस जब हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस. तो सेम थिंग गोज विद प्लांट्स एज वेल, बट ऑफ कोर्स प्लांट डजंट हैव अ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल. दे डो नॉट हैव द एलिमेंट्री कैनाल, नो स्टमक, नो इंटेस्टाइन, दे हैव नथिंग. ओके, दे जस्ट हैव व्हाट, दे जस्ट हैव सेल्स. ओके, दे जस्ट हैव सेल्स एंड ऑल्सो दे हैव सम ओपनिंग्स through which the gaseous exchange takes place. These openings you can term them as stomata and lenticels. So stomata hai aur lenticels hai, inse bhai gaseous exchange inse ho ja raha hai, koi dikkat nahi hai. Uske baad cell respire kaise kar raha hai, jo respiration jo pura process hai wo sirf aur sirf cell kar de raha hai. Uske liye ek specific organ nahi hai plant ke paas. To usme kya hoga, प्लांट्स बना रहा है फूड किस फॉर्म में? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस करता है वो, फूड बना देता है, उसको स्टार्च के फॉर्म में सेव कर स्टोर कर देता है. ठीक है, स्टार्च नथिंग बट ग्लूकोज, सुक्रोज, इस डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स में वो उसे स्टोर करके रखता है. अब भाई ये तो सिर्फ फूड बन गया, अब इस फूड से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? ठीक है, अब इस फूड से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, ये होता है रेस्पिरेशन. तो इसने यही लिखा है. देखो, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी ऐसी चीज जिससे हम, जिसको यूज करके हम रेस्पायर करेंगे, जैसे कि सुक्रोज है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, एक्सेट्रा. देयर आर मेनी थिंग्स, प्रोटीन्स वगैरह, बहुत चीजें होती है. ये सब चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे, इनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे. कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? ऑक्सीडेशन करवा के, उनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे अकॉम्पनी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. ओके, तो इस प्रोसेस से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोसेस एनर्जी विल बी रिलीज. ठीक है, एनर्जी विल बी रिलीज. अब उस एनर्जी प्लांट के फॉर्म, किस फॉर्म में आती है वो एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में आती है ना, एटीपी को ही बोलते हैं एनर्जी करेंसी. तो एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एज अ कॉन्सिक्वेंस. वी विल सी कि भाई कितने एटीपी बनते हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दैट वी हैव टू सी. ओके, दैट इज वेरी सिंपल. तो डिड यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज वेरी इजी. इट सेज कि भाई जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, इनका जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, इनका जब सेलुलर ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एज अ कॉन्सिक्वेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ठीक है,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. जस्ट की फूड से एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, फूड से एटीपी किस फॉर्म में बनता है, एज सिंपल एज दैट. इतना ही सिंपल आप इसको लेके चलिए. अब देखो वो एकदम ओवरव्यू लेंगे, सबसे वाइड पर्सपेक्टिव रख के अगर हम देखेंगे ना, तो सेलुलर रेस्पिरेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक इटसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होगा. एंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हिच सेज एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब भाई ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड. सिंपल थिंग है. तो अगर हम बहुत ही बेसिक बहुत ही जनरल ओवरव्यू लें तो होता कैसे है. फाइनली अगर आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में व्हाट वाज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी वर मेकिंग. फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में व्हाट वाज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी मेड आफ्टर फोटोसिंथेसिस. व्हाट वाज द फाइनल प्रोडक्ट जो हम बना रहे थे उस पूरे चैप्टर में. एनीबॉडी fast fast, I don't have time, please जल्दी. ग्लूकोज. डेफिनेटली इतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. फाइनल प्रोडक्ट क्या था उसमें, हम ग्लूकोज ही निकालने की कोशिश कर रहे थे ना भाई, हम ग्लूकोज ही निकालने की कोशिश कर रहे थे. वो हमने निकाल दिया था ग्लूकोज, एक प्रोसेस के बीच में ग्लूकोज निकलता है. देखो मैंने आपको बता दिया था PGCPGAL, PGAL से ग्लूकोज बनता है. I've told you. इस नहीं देखा तो आप प्लीज एक बार जाके वापस से उस वीडियो को देखो या फिर गो थ्रू माई नोट्स. दो ही ऑप्शन है आपके पास. हाँ जी, तो मैंने आपको जैसे बोला फाइनल प्रोडक्ट वहां पर क्या था, ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज इज नथिंग बट द फूड फॉर प्लांट. अब इस ग्लूकोज का हमें क्या करना है भाई, ब्रेक डाउन करना है. इस ग्लूकोज का क्या करना है, ब्रेक डाउन. जैसे इसने बोल दिया यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है एनर्जी रिलीज करने के लिए. तो अभी हमें ग्लूकोज का करना है ब्रेक डाउन. तो अगर यही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ओवरव्यू अगर लेते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज विल अंडरगो अ प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. सिंपल मतलब है ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का लाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. सिंपल मीनिंग है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है. ये हो कहाँ पे रहा है भैया, साइटोप्लाज्म में. कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें क्या मिल रहा है भाई, टू पायरविक एसिड मिल रहा है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर टू पायरविक एसिड मिल रहा है. अब सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ग्लूकोज हमें पता है भाई सिक्स कार्बन का प्रोडक्ट है. ठीक है, ग्लूकोज इज नथिंग बट सिक्स कार्बन एलिमेंट. ठीक है, सिक्स कार्बन एंड पायरविक एसिड. अगर हमको याद हो पायरविक एसिड इज अ थ्री कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पे, पायरविक एसिड इज अ थ्री कार्बन. तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कार्बन कार्बन शुड ऑलवेज मैच ना नंबर ऑफ कार्बन. अगर कोई प्रोडक्ट बीच में रिलीज नहीं हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर उस प्रोसेस में रिलीज नहीं हुई है, तो भाई कार्बन नंबर शुड बी कॉन्स्टेंट. कार्बन तो यहाँ आ जाएगा नहीं. इसीलिए ग्लूकोज का प्रोसेस, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, वी विल ऑलवेज गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरविक एसिड. वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑलवेज गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरविक एसिड. व्हाई, बिकॉज पायरविक एसिड इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड. वी विल सी, मतलब देखो यहाँ से लेके ग्लूकोज से लेके पायरविक एसिड तक 10 स्टेप्स आते हैं. 10 रिएक्शंस विल बी देयर, 10 रिएक्शंस. हम सिर्फ अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, आपको वो 10 के 10 रिएक्शंस याद करने हैं. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको वो 10 के 10 रिएक्शंस याद करने हैं. तो अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे हो रहा है भाई. ग्लूकोज एक सिक्स कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज एक सिक्स कार्बन कंपाउंड है. ग्लूकोज विल अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. वो कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म के अंदर. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने का फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है, दैट इज नथिंग बट पायरुविक एसिड. दैट इज नथिंग बट पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड हमें पता है कि थ्री कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हमें हमेशा ग्लूकोज की, ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, हमेशा फाइनल प्रोडक्ट टू पायरुविक एसिड हमें मिलेंगे. टू पायरुविक एसिड हमें मिलेंगे. ठीक है, ये सिंपल चीज थी, ये आपको समझ के रखना. अब आपको एक और चीज बताता हूँ कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉमन. मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हो रहा है तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा. अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा. आगे के स्टेप्स चेंज हो जाएंगे इसके अंदर, उसके अंदर तीन अलग अलग स्टेप्स और आ जाएंगे एरोबिक के अंदर, एंड नॉन एरोबिक के अंदर सिर्फ एक और एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा. ठीक है, नॉन एरोबिक के अंदर एक और एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा. सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, रेस्पिरेशन दोनों टाइप के होते हैं प्लांट में, एरोबिक भी होगा एनएरोबिक भी होगा. दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में पहला स्टेप कॉमन है. कौन सा है वो पहला स्टेप, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो पहला स्टेप है वो दोनों प्रोसेस में कॉमन है. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा उसका पहला स्टेप क्या होगा भाई, ग्लाइकोलाइसिस. एनएरोबिक जो होगा उसका पहला स्टेप क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस. इससे आप क्या क्या इन्फर कर सकते हो, इससे आप क्या निकाल सकते हो,
कि भाई ये पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, है ना। अगर रिक्वायर्ड होता तो फिर ये एनरबिक कैसे होता, एनरबिक में तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं होता तो एरबिक रेस्पिरेशन कैसे होता, एरबिक में तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी कि भाई ऐसे ये रिएक्शन होती है। डिटेल में जो होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि ये प्रोसेस डिटेल में कैसे होता है। अगर आप एक और चीज, चलो अब देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक का आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको एनएरोबिक ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें एरोबिक पढ़ना है। सो एरोबिक अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी के लिए एनएरोबिक रिएक्शन कैसे होता है देखो। ग्लाइकोलाइसिस खत्म हुआ, ठीक है, यू अंडरस्टैंड कि ग्लाइकोलाइसिस कब खत्म होगा नेक्स्ट स्लाइड में। ग्लाइकोलाइसिस खत्म हुआ, मान लो कि ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गया तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पाइरुविक एसिड। कंफर्म, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पाइरुविक एसिड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, देखो ये रहा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड व्हिच इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, यीस्ट करता है फर्मेंटेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट वो बन जाता है इथाइल अल्कोहल, वो बन जाता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, दो है, यहाँ कितने हैं कार्बन, पाइरुविक एसिड इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड, यानी इस प्रोसेस के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब ये जो है इथाइल अल्कोहल, अगर इसको इथाइल अल्कोहल जो है अगर इसको थोड़ी देर रखते हैं, तो अगर इसको हम कम टाइम के लिए रखेंगे तो हम इसको यूज करते हैं ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग। ये जो प्रोसेस हम कब यूज करेंगे, जब ब्रेड बनता है, ब्रेड बनता होता है थोड़े टाइम के लिए हम फर्मेंटेशन करते हैं, उसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम रोक देते हैं, ठीक है, बाय रिमूविंग इट एंड बाय फ्रीजिंग इट। उस प्रोसेस को अगर आप ठंडा कर दो तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक जाता है। और इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू रखते हो, इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हो फॉर ईयर्स, देन वॉट यू गेट द एज अ फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस। फाइनल प्रोडक्ट यू गेट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस, ओके। This is the thing. ये होता है external condition. External condition. अब आपने एक और चीज देखी होगी कि यार muscles में lactic acid generate हो जाता है, Usually for the athletes, जो athletes होते हैं, जो भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो उनमें lactic acids muscles में जम जाता है, उसकी वजह से muscle fatigue हो जाता है, muscle breakdown हो जाता है। That is because of this anaerobic reactions only. What happens is muscle cells को oxygen पूरे quantity में मिलता नहीं है, ठीक है। पाइरुविक एसिड, जब ऑक्सीजन नहीं होगा, पाइरुविक एसिड मसल सेल्स में जो पाइरुविक एसिड जनरेट होगा, ये ह्यूमंस की बात चल रही है, ठीक है। तो मसल सेल्स में जब पाइरुविक एसिड जनरेट होगा सेल के अंदर, है ना, मसल सेल्स में पाइरुविक एसिड जब जनरेट होगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं प्रेजेंट होगा तो वी विल गेट लैक्टिक एसिड। तो इस एसिड की वजह से मसल फटीग हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाता है, यस यू कैन से दैट, क्रैम्प्स आ जाते हैं, एकदम से पेन होता है, दैट इज नथिंग बट योर लैक्टिक एसिड का चीज, ठीक है, इसके वजह से होता है, मसल फटीग कर देता है ये, ठीक है। तो ये था एनएरोबिक रिएक्शन, कि एनएरोबिक रिएक्शन कैसे होगी विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन कैसे होती है वो ये फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम कहाँ यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड को, चलो ये तो दिस इज अ नॉट डिजायरेबल प्रोडक्ट, बट ऊपर वाला इज ए डिजायरेबल प्रोडक्ट। डिजायरेबल वाई, बिकॉज अल्कोहलिक बेवरेजेस इससे बनती है, योर यीस्ट, योर ब्रेड, योर केक्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ दिस दिस इज एनएरोबिक प्रोसेस, ठीक है, एनएरोबिक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये समझिए, ठीक है। दिस इज अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर ग्लाइकोलाइसिस, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर क्लैब साइकिल, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दीज थ्री टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा, अभी हम देखने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो हमें देखना है, ठीक है। So that is aerobic respiration. Okay. So जो aerobic respiration है, that is the entire topic for this particular chapter. That is nothing but we have these four cycles to do. We have these not cycles but four topics to do. Okay. So it start aerobic respiration oxygen के presence में, it starts with four simple products. So four simple steps. Okay. Four simple steps.
स्टेप नंबर वन इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है वो मैंने उसके आगे लिख दिया, बिकॉज मेनी अदर टाइम्स क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं पेपर में वो है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, एंड आप लोग इतने वो होगी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कहाँ होगा, इसलिए आई हैव क्लियरली मेंशनड इट यहीं पे। ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है यार हम यहाँ पे बना क्या रहे हैं, मुझे कोई यार कोई बता देगा यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं रेस्पिरेशन में, व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट, टेल मी। जो बता दिया मतलब ही इज ऑन ट्रैक विद मी, बाकी लोग सोने आए क्या? What should be the final product? I am asking. What should be the final product? I want answers from all of you. Except Atharv, Pratik, and Akansha ne answer diya. Atharv, Pratik, Akansha. Only three people have answered. That's it. ओके okay, अब इनमें से आई होप एवरीवन जो लिख रहा है उसको एटलीस्ट ये पता है कि वो एटीपी क्यों लिख रहा है। रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट शुड बी एटीपी, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होनी है। हमने बोला कि रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट है एनर्जी प्रोड्यूस होना। अब ओके okay, अब मुझे सिंपल लॉजिक बताओ कि भाई सेल्स के अंदर एटीपी कहाँ पर बनता है, भाई सेल्स के अंदर एटीपी कहाँ पर बनता है, सेल्स के अंदर एटीपी कहां पर बनता है? सिंपल सिंपल आंसर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स के अंदर एटीपी कहां बनता है? पावर हाउसेस को हम बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब मैं सिंपल अगर आपसे पूछूं कि भाई ये क्रैब साइकिल, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना, कि भाई ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सारे स्टेप्स कहां होंगे? तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो यू शुड हैव एन इजी गेस कि भाई अगर बनना एटीपी है, फाइनल प्रोडक्ट इज एटीपी, ना फाइनल प्रोडक्ट इज एटीपी, हमें एटीपी बनाना है, और एटीपी आपको पता है कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लियरली आप इजी आंसर लिख सकते हो कि भाई क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एवरीथिंग विल बी देयर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरा स्टेप कहाँ होने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है। ओके तो हम बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन का। ओके एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि भाई वो चार स्टेप्स में होंगी, चार बड़े बड़े स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व है, जिसमें पहला है ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या? पाइरुविक एसिड, PA। यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव नो अदर ऑप्शन। पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड को लेके हम डालेंगे किसमें? क्रैब साइकिल में, ठीक है। पाइरुविक एसिड को लेके हम डालेंगे कहाँ पर? क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल पूरी खत्म होगी, ठीक है, क्रैब साइकिल पूरी खत्म हो गई। उसके बाद हमें प्रोडक्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, NADH2, NADP, है ना, ये सब मिल जाता है, बिकॉज रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस बहुत होती है ड्यूरिंग दीज प्रोसेस। फिर जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे वो पास होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, सिमिलरली जो हो रहा था पहले जब हम फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था ना भाई, वो इलेक्ट्रॉन उठता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ता है उसे, फिर वो थ्रू अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो नीचे आता है। तो जैसे जैसे वो नीचे आता है वो एटीपी बनाता रहता है, एनर्जी होती है बिकॉज उसके पास, तो एटीपी बनाता रहता है। तो वो कैसे होगा वो देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और फाइनल जो स्टेप होगा दैट विल बी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट इज द फाइनल स्टेप जहाँ पर हमें एटीपी मिलेगा, जहाँ पर हमें एटीपी मिलेगा। यानी एटीपी पता करने के लिए हमें इतने स्टेप्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस इटसेल्फ हैज 10 स्टेप्स, क्रैब साइकिल हैव कितने? 8 स्टेप्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैव 4 कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो भूल जाओ, ठीक है, इट्स बिग, द टॉपिक इटसेल्फ इज बिग, एंड यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। सो द ओनली थिंग इफ टू लर्न दिस इज नॉट टू मग बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कि ये चीज क्यों हो रही है। ओके याद करने से नहीं होगा। ओके क्रैब साइकिल तो अंडरस्टैंड भी होगा ना, तो भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेस्ट वे इज टू मेक निमोनिक्स, आप उसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर पकड़ो और उसके निमोनिक्स बना लो। सेम गोज विद ग्लाइकोलिसिस इज वेल, यार आपको NAD यार याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो आपको याद करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन,
मैं आपको अगर बताऊं हमारे इसमें एक रिमेंबर कि हमें कैसे पढ़ाया गया था. इट वाज तो कभी कभी होता है ना लाइक इफ यू हैव टू पीरियड्स फॉर एक सब्जेक्ट के दो पीरियड लग जाते हैं किसी किसी दिन में. लाइक बिफोर लंच यू हैव वन पीरियड एंड आफ्टर लंच यू हैव वन पीरियड. सो व्हाट हैपेंड वाज हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो आई वाज इन केवीबी जी इफ नॉट यू गाइस डोंट नो दैट टाइम लीना मैम वाज नॉट देयर बट सम अदर टेंपरेरी टीचर वाज देयर फीमेल ओनली. सो व्हाट शी डिड वाज वो यही पढ़ा रही थी हमें. व्हाट शी डिड वाज लंच से पहले उसका आई गेस फोर्थ पीरियड था तो शी सेड कि मैं ये रख ग्लाइकोलाइसिस. उसने पढ़ाया नहीं कुछ ठीक है उसने पढ़ाया नहीं. शी जस्ट सेड कि हाँ जस्ट सी द डायग्राम एंड जस्ट मग इट. डायग्राम देखो 10 के 10 स्टेप्स को मग करो रट्टा मारो ऐसा उसने बोला हमें ठीक है. एंड शी गेव अस द टाइम ऑफ दिस लंच ब्रेक. हर पीरियड वाज 7th. नेक्स्ट फर्स्ट पीरियड वाज 4th एंड देन द नेक्स्ट वाज 7th. सो द टाइम व्हिच वी हैड वाज ओनली द लंच ब्रेक. एवरी क्लास अराउंड 40-42 स्टूडेंट्स ऑफ बायो वाज एक एक बच्चा इसको रट्टे मार रहा था वो भी जोर जोर से. Entire lunch period, people have not eaten their lunch as well. There are मतलब खतरनाक थी वो teacher थोड़ी मारती मारती थी उस time. मारती तो नहीं but yeah, she kind of insulted and all ऐसा करती थी. So we got only कितना 40 minutes का lunch break होता है उसमें ये याद करने बोला था. And trust me guys वो 40 minutes में भी ये चीज याद नहीं हुई थी बच्चों को. Of course that time because she haven't explained any concept. We didn't know कि भाई ये टॉपिक कहाँ से आया अचानक से ना. डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट एंड डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा रहे हो. वी डोंट हैव एनी बैकग्राउंड कि यार पीछे हुआ क्या था. अब तो मैं आपको पूरा बैकग्राउंड देके चल रहा हूँ कि यार देखो भाई फोटोसिंथेसिस में हमने बना लिया ग्लूकोज. अब ग्लूकोज से बनानी है भाई एनर्जी है ना. फोटोसिंथेसिस में हमने बना लिया ग्लूकोज. हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. वी हैव सीन फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 एंड एवरीथिंग. We have made now glucose. Now glucose has to be converted into some kind of a form जिससे energy release होगी. Final process तो हमारा वही है ना ATP generation. हम खाना खाते हैं. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम हो जाएंगे weak. अगर हम खाना नहीं खाएंगे हम हो जाएंगे weak. अगर किसी weak बंदे को आप boxing लड़ाने भेज दो तो क्या वो जीतेगा. वो नहीं जीतेगा. क्यों जीतेंगे भाई उसमें energy नहीं है. बात वही है. उसी बंदे को आप थोड़ा बहुत खाना खिला दो उसमें energy आ जाएगी. समझ रहे हो. उसी बंदे को आप खाना खिला दो उसमें एनर्जी आ जाएगी. देन यू सेंड हिम फॉर बॉक्सिंग वो अच्छा मार के आएगा है ना. दैट इज द सेम थिंग हैपनिंग इन प्लांट्स एज़ वेल. कि भाई प्लांट ने बना लिया खाना मान रहा हूं मैं. ग्लूकोज उसने बना लिया ओके. बट ग्लूकोज से काम थोड़ी चलता है. मतलब अब खाना बना लो और आप खाना सामने रख लो उससे थोड़ी काम चलेगा. यू हैव टू ईट इट डाइजेस्ट इट एंड एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस्ड. That is the thing. ना तभी तो कुछ फायदा होगा आपको. सिर्फ खाना बनाने से तो नहीं होगा. सेम डोज विद प्लांट है जल्दी सिर्फ खाना बनाने से सिर्फ ग्लूकोज बनाने से काम नहीं चलता. ग्लूकोज बनाया उसने अब वो ग्लूकोज को प्रोसेस करेगा सेल के अंदर. हमारे पास तो देखो ऑर्गन्स हैं. हमारे पास कितने ऑर्गन्स होते हैं. माउथ से हम लेते हैं ठीक है. फिर ईसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन एंड एवरीथिंग. हम तो पूरा निचोड़ लेते हैं खाने को. सारी एनर्जी सारा मतलब एक एक पॉइंट एनर्जी तो वी जस्ट डाइजेस्ट ठीक है. पूरी एनर्जी हम निकाल लेते हैं खाने की. तो प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है. बट उसमें जो पहला स्टेप है दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें मिलता है ग्लूकोज. ग्लूकोज को हम करेंगे ब्रेक डाउन. ग्लूकोज को भी हमें छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना है. ग्लूकोज को भी हमें करना है ब्रेक डाउन जिससे हमें मिलेगा पाइरुविक एसिड. पाइरुविक एसिड हमारा यूज होगा क्रेब्स साइकिल में ठीक है जी. पाइरुविक एसिड जो हमारा है वो यूज होगा क्रेब्स साइकिल में. फिर क्रेब्स साइकिल से हम प्रोसेस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जहां पर जाके फाइनली यू विल फाइंड योर एटीपी. खाना खाने खाना बनाने के वजह के कारण फाइनली उसे एटीपी मिल पाया ठीक है. तो वो कैसे होगा वो देखेंगे. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ग्लाइकोलाइसिस ओके जी. विल स्टार्ट विद ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी इजी ठीक है. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. बहुत ही इजी चैप्टर है ओके ठीक है. तो व्हाट वी ओके इसको दो तीन नाम दिए गए हैं. एक तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं इसे. ईएमपी पाथवे बिकॉज इसके साइंटिस्ट के नेम तीन साइंटिस्ट थे एमडेन मैराफ एंड प्रोनस ठीक है. ये तीन साइंटिस्ट थे इन्होंने नाम दिया है इसे. ईएमपी पाथवे से बोलते हैं. ग्लाइकोलाइसिस भी से ही बोलते हैं ओके. तो देखो भाई इसमें हुआ क्या. ग्लूकोज एज यू नो 6 कार्बन. एक चीज आपको बता देता हूँ फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग. द ब्लू थिंग्स इज योर प्रोडक्ट. इस रिएक्शन से इस रिएक्शन जो ब्लू कलर से लिखा है दैट इज योर प्रोडक्ट.
जो ब्लैक कलर से लिखा है दैट इज दीज आर योर व्हाट यू कॉल देम एंजाइम्स ओके जो ब्लैक कलर में लिखा है दीज आर योर एंजाइम्स एंड जो रेड कलर में लिया है दैट इज नथिंग बट कहाँ पे एटीपी यूज हुई है कहाँ पे एटीपी लगी है कहाँ पे NADPH2 लगा है कहाँ पे रिलीज हुआ है ओके और अभी आई विल एक्सप्लेन यू वर्बली पूरा कि ऐसे होता है बाय चांस इफ यू फॉरगेट हियर कौन से स्टेप पे क्या हुआ था द नेक्स्ट स्लाइड इफ यू सी ऑल द स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस आई हैव रिटन डाउन फॉर यू कोई भी स्टेप पे कहीं भी कंफ्यूजन होता है जस्ट गो थ्रू दीज आपके लिए ऑलरेडी मैंने प्रॉपर मेंशन किया है अगर इफ बाय चांस आपको याद भी करना है तो आप याद भी इसी वे से करोगे कि कैसे से लिखते हैं तो इस वे से लिखते हैं जैसे मैंने आपको लिख के दिया है ऑल्सो आई हैव चेक योर पेपर आपको मार्क्स मिल रहे होंगे एंड आई वुड लाइक टू सी कि यार काफी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं काफी बच्चे बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं मतलब एवरेज मार्क्स आ रहे हैं बट फिर गेटिंग 26, 27, 20 to 30 की रेंज में इज नथिंग मतलब वो कोई बहुत सेंसिबल बात नहीं है यू शुड इजीली स्कोर अबव 40 मतलब इस काइंड ऑफ एग्जाम में एटलीस्ट 35 के ऊपर तो आनी ही चाहिए आई डोंट नो मे बी यार अब लोग कई लोग तो क्वेश्चन ही छोड़ दे रहे हो कई लोग तो बहुत ही कम क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स बट वो नहीं होना चाहिए कर रहे हो तो फिर पूरा करो मतलब फिर ऐसे हाफ में छोड़ो मत या अपना टाइम मैनेजमेंट करो आप एक आंसर बहुत अच्छा लिख रहे हो दूसरा फिर आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है ना और ऐसा मेक इट अ कंसेप्ट आपको बहुत बार बता दिया हूँ यार अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 से 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे अब 2 लाइन में आंसर खत्म करते हो मेरे को अब तो मैं बिकॉज मैं नहीं काटना चाहता इसलिए आई हैव टू गिव यू मार्क्स देखो अगर आपको PDF मिला होगा मैंने दे दिए मार्क्स मैंने काटे ही नहीं अगर आपने कुछ भी लिखा है आई हैव गिवन यू मार्क्स ऐसा है बट टॉपिक आंसर सही होना चाहिए प्रोवाइडेड कुछ भी लिखा होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा ओके नो प्रॉब्लम ठीक है हाँ तो मैं क्या बोल रहा था हाँ अभी आंसर लिख रही हो ना अंडरस्टैंड यार अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव योर आंसर शुड बी ऑफ 1 पेज एटलीस्ट 1 पेज जिसमें आप लिखते हो अभी अगर आप वहाँ लिखने वाले हो आपके स्कूल एग्जाम्स में जिसमें आपको ऐसे ऐसे ऐसी वाली शीट मिलती है रेक्टेंगुलर शीट कम से कम 1.5 पेज आपके भरने चाहिए 1.5 से 2 पेज भरने चाहिए इतना राइटिंग प्रैक्टिस कब करोगे तो वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा ना ऐसा है तो प्लीज अपने क्वेश्चन के मार्क्स कितने अलॉटेड है उस बेसिस का आंसर लिखो डायग्राम तो कोई भी नहीं बना रहा है ये जो क्वेश्चन था फिफ्थ वाले उसमें अबाउट नोड्यूल फॉर्मेशन नोड्यूल फॉर्मेशन का एक डायग्राम है कि नहीं है NCERT खोल लो कुछ भी खोल लो एक डायग्राम है नोड्यूल फॉर्मेशन का वो डायग्राम बनाने में क्या जाता है वो डायग्राम बनाओ ठीक है बिना डायग्राम के मजा नहीं आता बायो में डायग्राम नहीं है तो आधे मार्क्स तो आपके वहीं कट गए ठीक है डायग्राम बनाना सीखो ओके विल स्टार्ट विद ग्लाइकोलिसिस नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ओके देखो ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है अब ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ठीक है क्या होगा इसमें ग्लूकोज है 6 कार्बन ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंपल चीज है ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक फॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आई होप योर केमिस्ट्री इज गुड कि ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ठीक है 6 फॉस्फेट जुड़े नहीं हुए एक ही फॉस्फेट है बट 6 पोजीशन पे है दैट इज द मीनिंग इतनी केमिस्ट्री तो आपको आती होगी आई होप मुझे आती तो आपको तो आती होगी मेरी तो बहुत खराब थी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको मिला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए फॉस्फेट ऐड होना पड़ेगा भाई वो फॉस्फेट कहाँ से आएगा सिंपल लॉजिक फॉस्फेट कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा ना ATP कंज्यूम करना पड़ेगा ATP यूज होना पड़ेगा ATP से ADP निकालना ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में एक फॉस्फेट जाके जुड़ जाएगा ग्लूकोज में अब भाई आपसे क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आप लोग के दिमाग में कि भाई हम तो यहाँ पे ATP बनाने आए थे हम कंज्यूम क्यों कर रहे हैं सिंपल लॉजिक है सिंपल क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में कि यार हम तो ATP बनाने चले थे व्हाई वी आर कंज्यूमिंग आवर ATP हम ATP यूज कैसे कर रहे हैं ठीक है क्या रीजन होना चाहिए बताओ क्या रीजन होना चाहिए हम तो ATP बनाना चाहते हैं कंज्यूम क्यों कर रहे हैं ATP यूज क्यों कर रहे हैं प्रोसेस में तो वेस्टेज नहीं हो गई आप लोग सोचो उससे पहले मैं ही बता दूं ठीक है ये है बेसिक फंडा अगर किसी को बिजनेस कर सिंपल है बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फिर इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं ऑफ कोर्स जो रिटर्न्स होंगे वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होने चाहिए तभी आप इन्वेस्ट करोगे सिंपल लॉजिक है तो सेम थिंग है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान
एटीपी का पहले इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एटीपी का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है, जो रिटर्न हमें मिलेंगे, दैट शुड बी हायर देन द इन्वेस्टमेंट, तभी तो हमें फायदा है, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा. तो दीज आर जस्ट बस अवर इन्वेस्टमेंट, ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न अलग होगा. इसमें कैसा होगा, देखो ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इट इज नथिंग बट दे दोनों आइसोमर्स है एक दूसरे के, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आइसोमर्स है, 6 पोजीशन पे ही फॉस्फेट होगा. तो ये कन्वर्जन ऑन दोनों 6 कार्बन है, तो ये कन्वर्जन कौन करवाता है, आइसोमरेज, ISOMERASE, आइसोमरेज इज एन एंजाइम. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें मिल जाएगा भाई फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दोनों आइसोमर्स है एक दूसरे के, ठीक है. अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है क्या, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, बायफॉस्फेट समझते हो क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट. बट फॉस्फेट बढ़ रहा है तो फॉस्फेट इन्वॉल्व होगा कि नहीं, फॉस्फेट कहाँ से आएगा, फॉस्फेट कहाँ से मिला भाई, फॉस्फेट कहाँ से मिला, अगेन एक एटीपी वापस से डाली हमने और वो कन्वर्ट हो गए एडीपी में, तो यहाँ पे भी हमने इन्वेस्टमेंट फिर से कर दी एटीपी की, है ना, फिर से इन्वेस्टमेंट कर दी, दो बार इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं एटीपी की, ठीक है. तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमें मिलता फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, अगेन 6 कार्बन, फ्रक्टोज है तो 6 कार्बन, ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है. फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट स्प्लिट कर जाता है एक एंजाइम की वजह से, जिसका एंजाइम का नाम है एल्डोलेज, ALDOLAS, एल्डोलेज. फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट गेट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स. तो अगर 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट है, दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, तो ऑफकोर्स जो दो पार्ट बनेंगे वो 3-3 कार्बन के होंगे ना, फ्रक्टोज 6 कार्बन का है, वो एग्जैक्टली दो हाफ में डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो जो दो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने कार्बन के होने चाहिए, 3-3 कार्बन के ना, सिंपल लॉजिक है. तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे जिसका नाम है, वन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मेरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड द अदर वन इज ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सिंपल, ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज याद रखो कि ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये है इंटर कन्वर्टेबल, ये देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, दे आर इजीली इंटर कन्वर्टेबल. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लिसर एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में. तो ये दोनों प्रोडक्ट इंटर कन्वर्टेबल है, यानी ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी विद हम इतना, एक चीज मुझे बताओ, क्या हम इन दोनों को एक चीज कंसिडर कर सकते हैं, इन दोनों को हम एक कंसिडर कर सकते हैं क्या फर्दर रिएक्शन के लिए. होता क्या है बेसिकली, होता क्या है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अपनी रिएक्शन यहाँ चालू कर देगा, ये भी कंटिन्यू करेगा और ये भी अपने रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, बिकॉज हमें पता है कि यार ये दोनों एक ही है, दोनों इज सिमिलर, दोनों की फर्दर रिएक्शन इज सिमिलर. अपनी अंडरस्टैंडिंग और सिंप्लीफिकेशन के लिए वी ओनली कंसिडर वन, हम सिर्फ एक को कंसिडर करते हैं, हम सिर्फ एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, हम सिर्फ एक साइड ऑफ रिएक्शन देखते हैं. वी अपने आप को अज्यूम कर लेते हैं कि सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर भी हो रही होगी. होता क्या है, अगर हम ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंसिडर कर रहे हैं ना, तो व्हाट हैपेंस इज ये रिएक्शन दो बार होंगी, समझ रहे हो, ये वाली रिएक्शन दो बार होंगी. क्यों दो बार होंगी, बिकॉज एक बार ये ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड में, और फिर एक बार क्या कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पहले कन्वर्ट होगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फिर फर्दर सेम रिएक्शन विल प्रोसेस, तभी तो जाके हमें दो पाइरुविक एसिड मिलेंगे. This reaction will give you one pyruvic acid, and this entire reaction will give you one pyruvic acid. So total how many pyruvic acid we got? 2 pyruvic acid. तो यही हमने starting की reaction में देखा था कि glycolysis जब खत्म होगा हमारे पास दो pyruvic acid होंगे. जब glycolysis खत्म होगा हमारे पास दो pyruvic acid होंगे.
ठीक है, तो मैंने क्या बताया एक बार रिपीट करो, फ्रक्टोज 1,6-5-फॉस्फेट स्प्लिट हो जाता है बिकॉज ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अल्डोलेज, तो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में जिसका नाम है डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल है, तो हमको दो 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 बार रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, हम एक ही बार रिएक्शन लिखेंगे और उसको इंटू टू कर देंगे, सिंपल लॉजिक है, दोनों दो रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम एक ही रिएक्शन को इंटू टू कर देंगे, सिंपल है ना, बिकॉज ये दोनों तो इंटरकन्वर्टेबल है, इनके आगे के प्रोडक्ट सेम होने वाले हैं, हम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं और हम इसको दो बार करेंगे बिकॉज डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में और फिर यही रिएक्शन एक और बार होगी, तो टोटल रिएक्शन दो बार होगी। देखो अब क्या हो रहा है, फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ एक रिएक्शन लेंगे, दिस इज लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट हमें मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जब ये कन्वर्जन होता है, जब ये कन्वर्जन होता है तब हमारा एक NAD+, एक NAD+ gets converted into NADH2, ठीक है, this, ठीक है, एक NAD convert हो जाता है NADH2, because this is an oxidation reaction, तो oxidation होगा तो यहाँ ये process तो होता ही है। फिर देखो glyceraldehyde 3-phosphate, यानी ऊपर वाले में phosphate कितने हैं, glyceraldehyde 3-phosphate में कितने phosphate होने चाहिए बताओ, glyceraldehyde 3-phosphate में कितने phosphate हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कितने फॉस्फेट हैं, एवरीवन सिंपल आंसर, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में एक ही फॉस्फेट है, हमने बाइफॉस्फेट नहीं बोला, हमने ट्राई नहीं बोला, हम बोल रहे हैं फॉस्फेट ओनली, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यानी थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट, यानी एक ही फॉस्फेट है वो, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1,3 bisphosphoglycerate, ठीक है, this is nothing but an acid, bisphosphoglycerate, and 1,3 यानी one position पे और third position पे phosphate group attached है, तो यानी एक और phosphate लगेगा, तो ये phosphate बहुत ही important process है, देखो ये एक inorganic phosphate है और ये वाला phosphate ATP से नहीं आता है, ये वाला phosphate ATP से नहीं आता है, एक inorganic compound से आता है, that we do not have to go in that detail कि वो कहाँ से आता है, क्यों आता है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ से ATP नहीं, इसके बाद एटीपी यूज नहीं होता, सिर्फ दो ही स्टेप्स में एटीपी हम डालेंगे, बाकी स्टेप्स में हमें एनर्जी मिलती है, बाकी स्टेप्स में हमें एनर्जी मिलती है, सिंपल प्रोसेस देखेंगे क्या हो रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, एक एटीपी उसको मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसे मिल जाएगा, बट नॉट फ्रॉम एटीपी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और इस रिएक्शन के दौरान बिकॉज दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो एक चीज का रिडक्शन भी होना होगा, तो NAD+ रिड्यूस हो जाएगा, आपको रिड्यूस कर जाएगा, बन जाएगा NADH+++H+, यानी NADH2 इसको आप लिख सकते हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं बता दूं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, एक NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, कैसे ये आपको पता चलेगा, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा यार एक NADPH2 3 ATP कैसे रिलीज करता है, एक ATP तो एक ATP हो गया, NADPH2 इज इक्वल टू 3 ATP, यानी अगर आपके पास एक NADH2 है उससे आप 3 ATP बना सकते हो, देखो सिंपल लॉजिक है, ATP इज लाइक योर करेंसी, ATP इज द एनर्जी करेंसी, तो ATP इज लाइक अ कैश, ATP is like a cash, कि आपके पास ATP आ गया आप तुरंत उसको खर्च कर सकते हो, ठीक है, ATP is like a cash, आपके पास पैसा आ गया, ATP आ गया, आप तुरंत उसको खर्च कर दो, एनर्जी यूटिलाइज कर दो, बट NADH2 इज अ चेक, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, NADH2 इज अ चेक, अब चेक को आप ऑन द स्पॉट नहीं, आप उसको रिडीम कर सकते हो, चेक को आप ऑन द स्पॉट नहीं रिडीम कर सकते, उसके लिए एक प्रोसेस लगता है, आपको पहले बैंक जाना होगा, बैंक में जाके डिपॉजिट करना होगा, फिर बैंक वाले आपको करेंसी देंगे, कैश देंगे, तो सेम प्रोसेस है, अगर आपके पास ATP आ जाता है तो आप उसको तुरंत कंज्यूम कर लो कुछ भी करके, ठीक है, बट आपके पास अगर NADH2 आ रहा है, NADH2 को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ATP में, यानी चेक को आपको पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आप स्पेंड कर पाओगे इसे, सिंपल लॉजिक, तो भाई ये लॉजिक यहाँ पर लगा है,
कि अगर एक आपके पास एक NADH2 आता है, एक NADH2 can easily be converted into 3 ATP. ये conversion कैसे होता है? That will be the last topic for this particular chapter. तो ये कन्वर्जन कैसे होता है वो कन्वर्जन हम देखेंगे आगे, बट अभी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ पे एसिड से एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसी चीज को रिड्यूस होना पड़ेगा, तो इसका रिडक्शन हो जाता है NAD का. तो NAD गेट रिड्यूस्ड इनटू NADH2 और हमें प्रोडक्ट जो मिल जाता है वो बन जाता है 13 बायफॉस्फोग्लिसरेट व्हिच इज एन एसिड, 13 बायफॉस्फोग्लिसरेट. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, 13 बायफॉस्फोग्लिसरेट से हमें मिल रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी एक फॉस्फेट कहीं तो भी गायब हुआ कि नहीं. 13 बायफॉस्फेट से अभी सिर्फ हो गया फॉस्फोग्लिसरेट, यानी एक पोजीशन में जो फॉस्फेट था वो गायब हो गया. वो फॉस्फेट क्या हुआ? वो फॉस्फेट ले लिया ADP ने वो फॉस्फेट लिया, कन्वर्ट कर लिया उसे ATP बना रहे. तो भाई एक ATP तो हमारे पास आ गई है ना, एक ATP तो हमारे पास आ गई. हमने ऊपर 2 लगाई थी अभी तक, उसमें से एक हमारे पास आ गई. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, 3 फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट. जस्ट पोजीशन चेंज हो जाएगी फॉस्फेट की, जस्ट फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी. पहले 3rd पोजीशन पे था, अभी वो 2 सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा. 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में. एंजाइम यूज होता है वो है ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये एंजाइम यूज होगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप जो हम देख रहे थे वो था 3 फॉस्फोग्लिसरेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, पोजीशन सिर्फ चेंज हो जाएगी. उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. थोड़ा सा यहां से कट गया है, फोटो लेते वक्त आप इसको जरा लिख लेना. 2 फॉस्फोग्लिसरेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. 3 फॉस्फोग्लिसरेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड देन उसके बाद हमें मिल जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में भी एक फॉस्फेट है. सिंपल लॉजिक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से अगर हम पाइरुविक एसिड हमें मिल रहा है, यानी फॉस्फेट फिर से गायब हो रहा है. फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से हमें पाइरुविक एसिड मिल रहा है, मींस एक और फॉस्फेट निकल रहा है यहाँ से. एक और फॉस्फेट को फिर से ATP ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ATP में. तो भाई हमने 2 ऊपर डाले थे, एक यहाँ मिल गया हमें और एक यहाँ मिल गया हमें. ठीक है, 2 मिल गए. बट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन होगी 2 बार. क्यों भाई? बिकॉज यहाँ पर ये भी तो है, ये प्रोडक्ट अभी तक खाली पड़ा है. ये सेम रिएक्शन वापस यहाँ पर भी होगी, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पहले कन्वर्ट होगा ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, फिर वो 13 बायफॉस्फोग्लिसरेट में, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में और फाइनली पाइरुविक एसिड में. तो उस प्रोसेस के दौरान भी हमें 2 और ATP मिलेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. ठीक है, तो आप मुझे बताओ, यहाँ से लेके नीचे तक हमें इस प्रोसेस के बाद फाइनली पूरे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल नंबर ऑफ ATPs हमें कितने मिले हैं, मुझे कोई बताना चाहेगा? टोटल नंबर ऑफ ATPs हमें कितने मिले हैं? जल्दी, टोटल नंबर ऑफ ATPs हमें कितने मिले हैं? I want answers from everyone. कितने ATP मिले हैं? अभी जस्ट आपके सामने बोला हूं. ATP पूछ रहा हूं, कहां है NADPH? ATP, how many ATP did you got? No, don't consider NADPH. Don't consider that. I am asking ATP, exactly ATP. I'm asking exactly ATP.
ओके अभी तक किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है, तो यू गाइस कैन थिंक. हाँ how many ATP did you got during the entire process of glycolysis? Very simple logic hai guys, simple logic. Okay, finally I got a correct answer, that is 4 from Sonali. Sonali, just tell them, unmute yourself and just tell how did you get 4 ATPs? How did you got 4 ATPs? So the first ATP is in 1,3-biphosphoglycosylate. Okay. Yes, in this and reaction. This is one ATP. The second one is this. Two ATP to ho gaye. Aur do kahan se laya ab? And sir, it is double process into two. Yes. So yehi maine sabko bataya ki this process is happening two times na. Ek to ye bar ho raha hai aur ek yahan pe bhi same reaction hone wali hai. Why you guys are not considering this? दो बार होगा. एक तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से पाइरुविक एसिड बनेगा, तब हमें 2 एटीपी मिल जाएगी. फिर सेम चीज डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फास्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, फिर से हमें 2 एटीपी मिल जाएंगे. सो टोटल हाउ मेनी एटीपी डिड वी गॉट? वी गॉट 4 एटीपीज ना. अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया कि नहीं आया? इफ नहीं आया प्लीज अभी पूछ लो, बिकॉज ये क्वेश्चंस हम पे नीट एग्जाम्स में इतने आते हैं, मैं क्या ही बताऊं. डेफिनेटली इस पे क्वेश्चंस होते हैं, कितने एटीपी बन रहा है, कितने क्या बन रहा है, कंफर्म क्वेश्चंस हैं. जल्दी बताओ अभी. तो समझ में आया? ओके अब एक और मुझे चीज बताओ कि नेट एटीपी गेन कितना हुआ? कि चार तो हमें मिले, हमने लगाए कितने? चार तो हमें मिले एक एक ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होने में, हमने चार हमें मिले, हमने लगाए कितने? दो. तो हमारा नेट गेन क्या है? व्हाट इज अवर नेट गेन? नेट एटीपी इज 2. एग्जैक्टली करेक्ट. नेट एटीपी इज 2 भाई. हमने दो पहले लगाए, हमें चार मिले, तो हमारे पास नेट गेन जो हुआ इस प्रोसेस के दौरान वो हुआ 2 एटीपी का. वो हुआ 2 एटीपी का, करेक्ट. ओके तो यही हम एक नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि क्या हुआ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान. ये देखिए, ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुविक एसिड बन रहा है जी, करेक्ट. टोटल एटीपी कितना भाई? 4 एटीपी हमें मिला. हमने लगाया कितना भाई? 2 एटीपी लगाया. नेट गेन कितना हुआ भाई? हमारा हुआ 2 एटीपी, ठीक है. बट मैंने आपको बताया कि NADH2 भी हो रहा है यहाँ पे एक NADH2 भी प्रोड्यूस हो रहा है. एक NADH2 इज इक्वल टू हाउ मेनी एटीपीज? एक NADH2 इज इक्वल टू हाउ मेनी एटीपीज? टेल मी. और यहाँ पे हम इस पूरे प्रोसेस, एक ग्लाइकोलाइसिस जब पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, कितने एनएडीपी एनएडीएच2 मिलेंगे हमें? कितने एनएडीएच2 मिलेंगे एक प्रोसेस, एक ग्लाइकोलाइसिस, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पे? 2, करेक्ट. सो टोटल एटीपी एनएडीएच2 को यूज करके कितने एटीपी हम बना सकते हैं? एनएडीएच2 को यूज करके हम कितने एटीपी बना सकते हैं? 6, करेक्ट. वेरी गुड, समझ गया आप लोगों को. तो ये देखो, वी हैव 2 NADH2. एक रिएक्शन से हमें मिलता है एक NADH2. ये रिएक्शन होती है दो बार, ठीक है. अगर एक और चीज आपको मैं बता दूं, कन्वर्ट मतलब भाई यहां से लेके नीचे की रिएक्शन ही सिर्फ दो बार होती है. ये रिएक्शन एक ही बार होगी, ये वाली रिएक्शन एक ही बार होगी, यानी ये वाली रिएक्शन एक ही बार होगी, और ऐसे जाके ऐसे एक उल्टा फनल टाइप बन जाएगा. ग्लूकोज से शुरू होगा, यहाँ पे एक पाइरुविक एसिड मिलेगा और यहाँ पे एक पाइरुविक एसिड आपको मिलेगा. इसीलिए हमने लिखा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अगर आप चालू कर रहे हो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अगर आप चालू कर रहे हो, तो आपको एंड रिजल्ट है 2 पाइरुविक एसिड. यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 एटीपी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 एटीपी, करेक्ट है. यहाँ पर आपने लगाए हैं 2 एटीपी, येलो कलर में लिख देता हूँ, यहाँ पर आपने 2 एटीपी लगाए हैं,
ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको एक NADH2 मिलेगा, यहाँ पे आपको एक NADH2 मिलेगा। अब कर लो टोटल, 2+2 हो गए 4 ATP, यहाँ पर 4 ATP मिल गए, एक से निकलता है 3, एक से निकलता है 3, हो गए 6, ठीक है, 2 आपने यहाँ पर लगाए, देख लो नेट क्या है, 2 ठीक है, 6 ATP आपको मिल गए, तो टोटल ATP कितने बन सकते हैं एक प्रोसेस के दौरान, 8 ATP बन सकते हैं ना, 8 ATP बन सकते हैं, ये वहां से बनेंगे, और 2 हमें नेट गेन ऊपर ATP से हुआ है वो, तो 8 ATP हमें टोटल ग्रॉस ATP गेन हुआ है हमारा, ग्रॉस, नेट भी नहीं बोलेंगे इसे, ग्रॉस बोलेंगे, ग्रॉस क्यों, बिकॉज भाई ये जो 6 ATP हमें अभी नहीं मिल रहे, ये जो 6 ATP हमें आगे जाके मिलेंगे, है ना जी, ये जो 6 ATP अभी नहीं मिल रहे हमें, ये भी चेक के फॉर्म में, कैश तो हमारे पास 2 रुपए का है, ये जो 6 रुपए का चेक है ये हमें मिलेगा आगे कुछ स्टेप में जाके, हमारा जो ग्रॉस गेन हुआ है कितने ATP का हुआ भाई, 8 ATP का, 6 मिलते हैं NADH2 से और 2 मिलते हैं कहां से, 2 मिलते हैं ATP से, ओके, तो ये ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीट, आपको समझ में आ गया, प्रोसेसेस याद कर लो, निमोनिक्स बनाओ कैसे भी करो, इट इज वेरी इजी, कंसेप्ट समझ जाओगे ना क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, यस सर, सर डाउट है सर, बोलो सर, वो 1.3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट से समझ नहीं आया सर आगे, मतलब वो आया कैसे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कैसे आया और 2 फॉस्फोग्लिसरेट कैसे आया, देखो ना 1.3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट ने क्या किया, 1.3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट यानी कितने फॉस्फेट है इसमें, 2 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट में से उसने एक फॉस्फेट रिलीज कर दिया, वो एक फॉस्फेट किसने ले लिया, ADP ने, यस सर, क्या बन गया, ATP बन गया, तो अगर एक फॉस्फेट हट गया, मान लो भाई एक पोजीशन का फॉस्फेट हट गया, वन पोजीशन का फॉस्फेट हट गया, एक फॉस्फेट हट गया, तो यहाँ पे हम बाई भी नहीं लगा सकते, बाई भी हटाना पड़ेगा, तो क्या बच गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, और सर फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, अरे पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था, उसकी हमने पोजीशन बदल के 2 पोजीशन पे कर दी, एंजाइम यूज कर दिया फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ओके ठीक है, बस पोजीशन चेंज हो गई है, 3 से 2 हो गया, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे एक और यहाँ था फॉस्फोग्लिसरेट, उससे कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से फिर से एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, पाइरुविक एसिड हमें मिल जाता है, ठीक है, तो आई होप ग्लाइकोलाइसिस पूरा हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या देने लायक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें सिर्फ 2 ATP मिलता है, एनएरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमने 8 निकाल लिए हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमने 8 निकाल लिए हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता है कि हमें सिर्फ 2 ही ATP मिलता है, वो कैसे होता है देखो, जब ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड बनता है, यहाँ पे एक NADH2 ये भी हमें मिलता है, ठीक है, पाइरुविक एसिड जब कन्वर्ट हो जाता है एसिटल अल्डिहाइड, 2 एसिटल अल्डिहाइड में, एसिटल अल्डिहाइड जब कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, दिस इज द रिएक्शन ऑफ एनएरोबिक रिएक्शन, दिस इज एनएरोबिक रिएक्शन, कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा तो क्या चीज होने वाली है, तो 2 पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2 एसिटल अल्डिहाइड में, और एसिटल अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, जब ये वाला कन्वर्जन होता है ना, ये वाला कन्वर्जन, तो ये वाला कन्वर्जन NADH2 को यूज कर लेता है और उससे फिर से कन्वर्ट कर देता है NAD+ में, समझ में आया, ये वाला रिएक्शन जब होता है तो उससे कन्वर्ट कर देता, देखो मैंने आपको बताया था एक चीज कि भाई ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप है ना वो कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप है वो कॉमन है फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक, तो भाई हमें ग्लाइकोलाइसिस में एरोबिक में तो हमें 8 ATP मिल रहे हैं, तो एनएरोबिक में भी हमें 8 ATP मिलने चाहिए कि नहीं, है ना, अगर ग्लाइकोलाइसिस दोनों के लिए कॉमन है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही हमारे पास 8 ATP है ना, बट ऐसा नहीं होता, एरोबिक में हमें सिर्फ 2 ATP मिलते हैं, तो वो क्यों होता है, एनएरोबिक में हमें सिर्फ 2 मिलते हैं, क्यों होता है वो, बिकॉज जो ये NADH2 मिलता है यहाँ पर, 2 NADH2 मिलता है, वो 2 NADH2 चला वापस से यूज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, आई बात समझ में, बिकॉज ये NADH2, ये NADH2 में कितने ATP दे रहा था भाई, कितने दे रहा था, 2 है ये, कितने दे रहा था, ये 6 दे रहा था हमें, वही 6 8 से माइनस कर दो, कितना बचता है, 2 बचता है, तो यही 2 ATP मिलता है हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, 2 ATP हमें मिल जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान,
समझ में आई बात? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, देन वी विल स्टार्ट विद क्रेब्स साइकिल. नाउ द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इज व्हाट? Final product after glycolysis is what? That is what I'm asking. Glycolysis के बाद आखिरी product हमारे पास क्या बचा हुआ है अभी? Pyruvate. Pyruvic acid. You can say. Don't know what बोल सकते. Pyruvate or pyruvic acid. Pyruvic acid को use करते हुए हम Krebs cycle करने वाले हैं. Krebs cycle के I think points नहीं लिखे हुए because it is very simple. तो मैंने जो भी था description यहीं पे लिख दिया हुआ है, आप समझ जाओ. It is not that difficult. The cycle is difficult to learn, of course, but एक बार याद होगी then you will never forget. Okay. और इसको Krebs cycle भी बोलते हैं, इसको TCA भी बोलते हैं, tricarboxylic acid. ठीक है, ठीक है, tricarboxylic acid भी बनते बोलते हैं इसे. ठीक है, तो usually हम इसे Krebs cycle के नाम से ही जाना जाता है. होता क्या है भाई, देखो ये भी वैसा ही रिएक्शन है. यहाँ पे भी आपको कार्बन काउंट करने पड़ेंगे, कार्बन की गिनती रखनी पड़ेगी कि कार्बन कहाँ से कहाँ यूज हो रहा है. ठीक है भाई, हम फाइनली हम कर क्या रहे हैं ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए. हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है एटीपी बनाना. हमारा फाइनल प्रोडक्ट है एटीपी बनाना. ग्लाइकोलिस ग्लूकोज, जो एनर्जी ग्लूकोज हमें आया था रॉ मटेरियल, उससे एनर्जी बनाना, फूड खा के एनर्जी बनाना. तो हमने ग्लूकोज का पहला स्टेप कर दिया, दैट इज ग्लाइकोलिसिस. उससे हमें मिल गया पाइरुविक एसिड, ये रहा पाइरुविक एसिड. ठीक है, हमें एंड में मिलते एक ग्लूकोज के खत्म होने के बाद हमें कितने पाइरुविक एसिड मिलते हैं? एक ग्लाइकोलिसिस के बाद कितने पाइरुविक एसिड मिलते हैं? दो पाइरुविक एसिड मिलते हैं. यस, दो पाइरुविक एसिड मिलते हैं. बट हम जो जो क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है वो एक ही पाइरुविक एसिड से स्टार्ट होती है. ठीक है, एक ही पाइरुविक एसिड स्टार्ट होती है, यानी एक ग्लूकोज को पूरा ब्रेक डाउन करने के लिए दो बार क्रैब साइकिल होगी, बिकॉज दो पाइरुविक एसिड हमें बनते हैं, दो पाइरुविक बनते हैं ना. बट क्रैब साइकिल एक बार में एक ही लेता है, तो क्रैब साइकिल दो बार होगी. फॉर वन ग्लूकोज देयर विल बी टू क्रैब साइकिल, वन विल टेक वन पाइरुविक एसिड, अदर विल टेक अदर पाइरुविक एसिड. ओके जी, क्या ध्यान देंगे? ठीक है, pyruvic acid is a three carbon compound. Pyruvic acid will get converted into acetyl coenzyme A. ठीक है, acetyl coenzyme A, which is a product. ठीक है, ठीक है, acetyl coenzyme A. Now we know acetyl coenzyme is a two carbon compound, so there will be one release of carbon dioxide. There will be one release of carbon dioxide. As we always say ना कि भाई respiration के दौरान carbon dioxide release होता है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही बीच बीच में रिलीज होता है, वो यही कार्बन डाइऑक्साइड है. Pyruvic acid is a three carbon compound. It is converting into acetyl coenzyme A, which is a two carbon compound. So there will be definitely a release of one carbon dioxide. ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान one NAD gets converted into NADH2. Very important. One gets converted into NADH2. Okay. Very important thing is जो Krebs cycle consider हम करते हैं, वो Krebs cycle start होती है acetyl coenzyme A से. वो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है एसिटिल कोएंजाइम ए से. ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शन को सिर्फ क्या बोलते हैं? पाइरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनने का रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन बिकॉज कार्बन निकल रहा है, कार्बन रिलीज हम कर रहे हैं. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन को हम निकाल रहे हैं. ठीक है, एंड दिस पार्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल. दिस, ठीक है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल. ठीक है, मतलब एसिटिल कोएंजाइम इज कंसिडर्ड बट दिस रिएक्शन इज नॉट कंसिडर्ड. क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए. क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए. सो माइंड यू विल नॉट काउंट दिस NADH2 ड्यूरिंग द काउंटिंग. जब हम इसकी काउंट करेंगे ना, कितने ATP बने या फिर कितने NADH2 बने, तो हम वो NADH2 जो ऊपर बना हुआ है ये वाला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान, इसे काउंट नहीं करेंगे. प्रोवाइडेड दे आस्क अस, provided they ask us, question में अगर पूछा है oxidative decarboxylation को involve करके, तब आपको इसे count करना है, नहीं तो आपको इसे count नहीं करना है. ठीक है जी, तो हम क्या हो रहा है, pyruvic acid से convert हो गया acetyl coenzyme A, which is a two carbon compound. ठीक है, acetyl coenzyme A मिलता है एक four carbon compound से, जिसका नाम है oxaloacetic acid, OA. अभी तक तो familiar होगा ये नाम.
एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है एक फोर कार्बन का मॉलिक्यूल, एक दो कार्बन का कंपाउंड मिलता है एक फोर कार्बन के कंपाउंड से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज सिट्रेट सिंथेटेज चार और दो छह यानी एक सिक्स कार्बन कंपाउंड बनाएगा जिस सिक्स कार्बन कंपाउंड का नाम है सिट्रिक एसिड, जिस सिक्स कार्बन कंपाउंड का नाम है सिट्रिक एसिड। ओके जी, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड, सिट्रिक एसिड इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड, ये अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जिस आइसोमर का नाम है आइसोसिट्रेट विच इज अगेन अ सिक्स कार्बन कंपाउंड, ये अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज आइसोमरेज, यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज आइसोमरेज सिट्रिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, सिट्रिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, ठीक है, विच इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड। ओके, नाउ isocitrate is now getting reduced, so during this reaction isocitrate is a six carbon compound which is getting converted into alpha ketoglutarate is a five carbon compound, therefore definitely there will be a release of a carbon dioxide which is here, theek hai, isocitrate is a six carbon compound but alpha ketoglutarate ban raha hai isocitrate se which is a five carbon compound, to hum bata sakte hain ki bhai ek carbon dioxide is the process ke dauran nikla hoga, ek carbon dioxide is process ke dauran nikla hoga, to bhai wo ek carbon dioxide humne nikal diya, aur bhai because reduction ho raha hai to nad will definitely get converted into nadh2, okay, ab yahan pe hame mil gaya alpha ketoglutarate which is a five carbon compound, alpha ketoglutarate will get converted into succinyl coenzyme A, definitely coenzyme A yahan pe add hua hai, coenzyme A dekho bahut important hai, coenzyme kya hota hai, enzyme ko to aapko pata hoga enzyme reaction ko fast karta hai, coenzyme ko help karta hai reaction ko fast karne mein, simple logic, enzyme is enzyme reaction ko fast karta hai, coenzyme kya karta hai, coenzyme ko fast karta hai, coenzyme और enzyme जुड़के अगर कोई reaction करते हैं तो और fast हो जाती है, simple logic, तो ये रहा coenzyme, तो succinyl coenzyme बन रहा है, तो coenzyme add करना पड़ेगा, वो coenzyme यहाँ से add हो रहा है, ये देखो यहाँ पे COA मैंने लिखा हुआ है, मिटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, मेरा COA यहाँ पे coenzyme A यहाँ से add हो रहा है, again this is also a redox reaction, reduction हो रहा है, NAD will get converted into NADH2. Of course, succinyl acid is a four carbon compound. There will be a release of carbon dioxide. This is one carbon dioxide is released. ये रहा भाई कहाँ निकाला? ये रहा carbon dioxide हमने यहाँ पर भी release कर दिया है और coenzyme A is added. Coenzyme A add कर दिया हमें मिलता है succinyl acid which is a four carbon compound. Because cycle है यार यहाँ पे हमें four carbon compound है oxalic acid के साथ. तो हमें कैसे भी करके four carbon compound पे हमें पहुँचना ही है. अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होता है भाई, सिर्फ कुछ नहीं होता, कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है, कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो जाता है, कोएंजाइम ए हो जाता है रिलीज, ओके, कोएंजाइम ए जब रिलीज हो जाता है सक्सिनिक एसिड बन जाता है, अब क्या होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ना थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स ना कोएंजाइम ए का, बिकॉज कोएंजाइम ए जब सेपरेट होता है थ्रू द सक्सिनिल एसिड देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज, तो ये एनर्जी को कौन यूज कर लेता है भाई, ये एनर्जी को यूज कर लेता है जीडीपी यूजिंग दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीटीपी, ठीक है, आपका पहले ए था एडेनाइन था, एडेनाइन की जगह जी हो गया यानी गुआनाइन आ गया, ठीक है, यानी लिखा भी हुआ है फॉर डेफिनेशन अगर आप भूल जाओ गुआनोसाइन, ठीक है, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट ये वाला पार्ट जो है ना जीडीपी,
रियली सॉरी फॉर द कॉल. हाँ ओके कहाँ थे हम, जहाँ थे. सक्सेनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सेनिक एसिड. कोएंजाइम ए रिलीज होता है, मैंने बताया कोएंजाइम ए जब रिलीज होगा थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं. एनर्जी जो रिलीज होगी वो जीडीपी ले लेगा. गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और ये हमें पता है कि जीडीपी आगे चल के बिकॉज ऑफ सर्टन रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन होती है, जीडीपी कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी. ओके सर, जीडीपी विल गिव राइज टू एन एटीपी. तो आप ये इस पे इजिली लिख सकते हो, जीडीपी जीटीपी से आप एटीपी बना सकते हो. ए एन टी आर कन्वर्टेबल, वो भी ए आर टी कन्वर्ट हो जाते हैं, जी आर टी सॉरी. ठीक है, तो आपको जीटीपी से एटीपी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कैसे बनता है आपको उसका कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है. बस हमें इतना पता है कि जीटीपी आगे चल के एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे एटीपी आप लिख सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, फिर भी हमें मिल गया सक्सिनिक एसिड. अगेन अगेन फोर कार्बन कंपाउंड है. ठीक है, फोर कार्बन कंपाउंड है. सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट मैलेट में, और मैलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिडिक एसिड. इन रिएक्शन के दौरान सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमरेट बनता है एफएडी गेट रिड्यूस्ड टू एफएडीएच2, एफएडीएच गेट रिड्यूस्ड टू एफएडीएच2. भाई ये एफ क्या आ गया, पहले एनएडीएच2 कम था कि एफ भी आ गया, अब आया तो आया है, देखेंगे उसको. जैसे मैंने आपको बताया था कि एनएडीएच2 कितने एटीपी रिलीज करता है, NADH2 आगे चल के कितने ATP रिलीज करेगा, जल्दी बताओ. 3 आगे चल के 3 ATP रिलीज करेगा. सेम थिंग जो FADH2 है वो आगे चल के 2 ATP रिलीज करेगा. देखो ये लिखा हुआ मैंने, कैसे करेगा हम आगे देखेंगे ना भाई. FADH2 2 ATP रिलीज करता है, NADH2 3 ATP रिलीज करता है. ठीक है जी, समझ गए. FADH2 2 ATP यूज करता है, NADH2 3 ATP रिलीज करता है, FADH2 2 ATP रिलीज करता है, ATP ATP सिंगल ATP रिलीज करता है. तो सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमरेट बनता है FAD गेट कन्वर्टेड इनटू FADH2, ये फ्यूमरेट कन्वर्ट गेट कन्वर्टेड इनटू मैलेट. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब आप इसको खुद से पढ़ने जाओगे. कई बार मैलेट क्या होगा, मैलेट फाइनली जब ऑक्सैलो एसिडिक बनना चाहेगा, मैलेट जब ऑक्सैलो एसिडिक बनना जाएगा तो फाइनली एक रिडक्शन होता है, NAD gets converted into NADH2, NAD gets reduced and NAD gets converted into NADH2. ठीक है, NAD से हमें NADH2 हमें मिल जाता है. ओके, NADH2 हमें मिल जाएगा. अब फाइनली अगर आप पूरी रिएक्शन देखो, बिकॉज हमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को कंसिडर नहीं करना है, कितने NADH2 आपको मिले हैं बताइए जरा, कितने NADH2 आपको मिले हैं जल्दी बताइए प्लीज, कितने NADH2 आपको मिले हैं. हाउ मेनी NADH2 हैव वी गॉट, वन इज हेयर वन, एक मिनट. ये देखो ये रहा वन, ये रहा टू, ये रहा थ्री, थ्री मिल गए. हाउ मेनी FADH2 यू हैव गॉट, हाउ मेनी FADH2 यू हैव गॉट, and how many ATP did you got? How many ATP did you got? ATP कितने बने? जल्दी यार. एक ही बच्चा है क्लास में, बाकी लोग, बाकी एवरीवन इज स्लीपिंग और व्हाट. सी अभी आंसर कर दो ना, एंड तक याद रहेगा. अभी आंसर नहीं करोगे अभी नहीं समझेगा ना, आगे बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा. इतना सिंपल चैप्टर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. एवरीवन लाइक वेयर आर यू, आर यू एबल टू सी द स्लाइड, टेल मी, टेल मी टू बी वेरी फ्रैंक, आर यू एबल टू सी द स्लाइड एज़ वेल.
यार स्लाइड में एवरीथिंग इज देयर यू कैन इजीली काउंट इट ना एटीपी कहां रिलीज हो रहा है आई एम टोल्ड यू यार ये अब ये वो लोग हैं जो आंसर नहीं कर पा रहे जिन्होंने यहां पर ध्यान नहीं दिया कि भाई अब वो लोग देख रहे हैं यार एटीपी तो कहीं बना नहीं जीटीपी बना है जीटीपी का क्या करें उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था यार जीटीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी आगे चल के सिंपल लॉजिक है तो यहां पर ही आपको एटीपी मिला है एक ही एटीपी मिला है सिंपल ये है क्या यू नीड यू आर सर्टेन अमाउंट ऑफ फोकस है डेढ़ घंटे की क्लास होती है डेढ़ घंटे तो कंसंट्रेट करने का माइंड को उतना तो प्रैक्टिस होना चाहिए कि डेढ़ घंटे एटलीस्ट वी कैन कंसंट्रेट टू अ पर्टिकुलर थिंग उसमें भी यू डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग जस्ट हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड दैट्स इट नथिंग यू हैव नथिंग टू राइट एज वेल ठीक है ओके तो वापस से देख लेते हैं बैलेंस शीट क्या चल रहा है क्रैब साइकिल के दौरान भैया क्रैब साइकिल के दौरान तीन NADH2 मिला है हमें एग्री करते हो 3 × 3 हाउ मेनी 980 वी विल गेट एक FADH2 मिला है एक FADH2 कितने ATP रिलीज करता है दो मैंने आपको पहले बता दिया और एक हमें ATP मिला जी एक ATP मिला कितने हो गए जी 12 तो एक क्रैब साइकिल से भाई कितने मिल गए एक क्रैब साइकिल से हमें मिल गए 12 ATP बट हमें ये पता है कि भाई ग्लूकोज जब बनता है ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है वो दो पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक ग्लूकोज का ही प्रोडक्ट है दो पाइरुविक एसिड दैट मींस जो क्रैब साइकिल होगी वो दो बार होगी बिकॉज एक क्रैब साइकिल से हमें मिलेगा एक पाइरुविक एसिड से शुरू जब होगी हमें मिलेंगे 12 ATP और दूसरा जब पाइरुविक एसिड यूटिलाइज होगा तब हमें मिलेंगे 12 ATP तो टोटल होगा 24 ATP एग्री सब एग्री करते हैं 24 ATP तक का कंसेप्ट समझ में आ गया 24 ATP के कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ इजी टू अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड टॉपिक ओके सो वी हैव फिनिश्ड हाउ मेनी वी हैव फिनिश्ड 2 आई गेस We have finished 2, we can easily finish 3 as well. 3 is very simple. I've given you the points as well. See, we have finished glycolysis, done. We have finished Krebs cycle, done. Now we will be seeing electron transport chain. We have 10 minutes and we can definitely finish this. It's very simple, very, very simple. Because you have done and you have understand the concept of how electron moves and what not. Okay, ye reactions kahan ho rahi hai? Jaldi batayenge. Ye reactions kahan ho rahi hai? Ye reactions kahan ho rahi hai? एक सेल के अंदर ये कहाँ हो रही है करेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ओके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी लेयर है इनर या आउटर माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट है इनर या आउटर इनर डेफिनेटली आउटर पे कुछ नहीं इनर पे बनते हैं क्रिस्टी और इनर पे होते हैं F0 and F1 पार्टिकल इनर पे होते हैं इनर पे वो क्रिस्टी बनता है उनके ऊपर F0 F1 पार्टिकल होते हैं जिनसे ATP रिलीज होता है जो ATP कन्वर्ट करते हैं हाँ जी तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये रही ठीक है जी ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमें इनर के अंदर क्या होगा मैट्रिक्स होगा इनर के अंदर क्या होना है इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा मैट्रिक्स होगा और इनर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा खाली जगह होगी और वो खाली जगह के बाद क्या होगा एक आउटर मेम्ब्रेन होगी आउटर मेम्ब्रेन सिंपल अंडरस्टैंड द थिंग कि हम क्या चीज देख रहे हैं इमेजिन आपके सामने एक माइटोकॉन्ड्रिया है जूम इन करो माइटोकॉन्ड्रिया को दो लेयर दिखेंगी एक आउटर और एक इनर इनर लेयर को थोड़ा सा और जूम इन करो देखो कि इनर लेयर के अंदर की तरफ कौन है इनर लेयर के अंदर की तरफ देखोगे कुछ नहीं है लिक्विड है कुछ भी नहीं है पानी है खाली खोखला है दैट इज नथिंग बट योर मैट्रिक्स ओके इनर मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ देखोगे यार यहाँ क्या है यहाँ पर भाई दूसरी मेम्ब्रेन है ये इनर है तो ये आउटर है और इन दोनों के बीच में क्या है इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है भाई इन दोनों के बीच में क्या है भाई इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है समझ गए इन दोनों के बीच में क्या है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ओके अब देखो क्या हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो NADH2 FADH2 या जो भी थे वो सब हमने यूज करने हैं वो सब कैसे यूज होते हैं वो भी हमने देखना है फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस दिस इज एन NADH2 एंड कंसीडर दिस इज एन NAD ओके सॉरी नो आपको ये करना है NADH2 जो है NADH2 विल गेट ब्रोकन डाउन NADH2 जो वहां पर बना था
अब इट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट एनएडी कन्वर्ट हो जाएगा एनएडी प्लस में आफ्टर रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स करेक्ट है करेक्ट है एग्री करते हो जल्दी बताओ करेक्ट है ओके क्या हो रहा है NADH2 जो पिछली रिएक्शन में बना था इट गेट ब्रोकन डाउन इनटू NAD आफ्टर रिलीजिंग व्हाट टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स कहां पे रिलीज हुए हैं देखो मैट्रिक्स में रिलीज हुए हैं अब क्या हो रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखो चार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है आयन से बना होता है यूक्यू से बना होता है साइटोक्रोम होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम आप इजीली देख सकते हो आगे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम आपको दिए हुए हैं ठीक है तो यहाँ पर एग्जैक्टली चार कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वन FMN होता है जिसमें आयन होता है आयन FES बोलते हैं इसे आयन समथिंग ठीक है फिर यू हैव सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो स्टार्ट होता है यूक्यू से यू हैव थर्ड कॉम्प्लेक्स जो साइटोक्रोम बी इन्वॉल्व होता है उसमें एंड देन यू हैव फोर्थ कॉम्प्लेक्स जिसमें साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम A से लेके A3 तो चार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये क्या है कॉम्प्लेक्स किसके कॉम्प्लेक्स है ये दीज आर नथिंग बट ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दीज आर नथिंग बट ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ये क्या करेंगे भाई ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मिल रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और इसको डाउन द ग्रेडियंट लेके आएगा सिंपल लॉजिक है भाई इलेक्ट्रॉन जब डाउन द ग्रेडियंट आएगा हायर पोजिशन से लोअर पोजिशन पे आएगा हायर पोजिशन पे क्यों पहुंचा है बिकॉज एनर्जी रिलीज हुई है एनर्जी उसके पास इसलिए हाई पोजिशन पे है जब वो नीचे आएगा एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा येस और नो जब वो डाउन द ग्रेडियंट आ रहा है एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा सिंपल लॉजिक एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट आ रहा है ठीक है ये इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FMN जो है वो इसे पकड़ेगा दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा FMN से FES FES से फिर से FES FES से UQ UQ से UQH2 फिर साइटोक्रोम बी फिर FES फिर UQ ये ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा क्या होगा जब FMN FES से जब ये UQ में ट्रांसफर हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी बिकॉज हायर एलिवेशन से हायर लेवल से वो लोअर लेवल पे जा रहा है एनर्जी रिलीज होगी तो ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी यूज करते हुए ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं बिकॉज बहुत सारे NADH2 होंगे ये प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है अंदर की तरफ टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेनल स्पेस यानी मैट्रिक्स से उन्हें इनर मेम्ब्रेनल स्पेस पे पंप किया जाता है ये दो इलेक्ट्रॉन ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इलेक्ट्रॉन वो सांप सीढ़ी जैसे स्टेबल आर यू एबल टू हियर मी We will revise it once again, don't worry. अभी मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ we'll revise. कल हम फिर से करेंगे इसको ठीक है फिर से ये रिएक्शन जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यूज कर लेंगे 2H+ को अंदर के बाहर अंदर मतलब उसका बाहर है वो इनर मेम्ब्रेनल स्पेस की में पंप करेंगे जब वो एक और बार नीचे आएगा फिर से एक और बार तो तीन बार ऐसा होता है तीन बार प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है बाहर की तरफ फाइनली इलेक्ट्रॉन पूरा एनर्जी यूज करते हुए नीचे आ जाएगा अब क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा O2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर NADH2 की वजह से बहुत सारे प्रोटॉन्स तो पड़े ही हैं पहले से O2 प्रोटॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या बना लेगा पानी वाटर H2O मैट्रिक्स के अंदर होता है ठीक है फाइनली O2 ले लेगा 2H+ ले 2H+ तो यहाँ से ले लेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और बना देगा क्या H2O ठीक है ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें क्या हुआ अब ये आगे कैसे होगा रिएक्शन वो हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में ठीक है कि ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा ठीक है क्योंकि इनर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन क्या होता है देखो सिंपल लॉजिक है अब क्या हो गया बहुत सारे जितने भी हमारे 2H+ थे तो सारे 2H+ कहाँ है अभी एग्जैक्टली वो प्रोड्यूस हुए थे यहाँ पर वो प्रोड्यूस हुए थे इन दी मैट्रिक्स बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस वो सारे पंप हो गए किधर वो सारे पंप हो गए
इधर पे इनर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया। अब क्या हो रहा है, बिकॉज एनर्जी यूज करके यहाँ पर आए थे, बट अगर इन्हें वापस जाना है तो दे हैव टू पास थ्रू अ मॉलिक्यूल, दे हैव टू पास थ्रू अ प्रोटीन विच इज नथिंग बट योर एफ नॉट एंड एफ वन पार्टिकल, एफ नॉट एंड एफ वन पार्टिकल। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था F0 and F1 particle. तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे 2H+, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे थ्रू अ प्रोटीन विच इज F0 and F1 पार्टिकल, एनर्जी रिलीज होगी। उस टाइम पे वो एनर्जी यूज करेगा कौन, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करते हुए बना देगा क्या, एटीपी। एक चीज ध्यान में दो, तीन एटीपी कैसे क्यों मैं बोल रहा हूँ, NADH2। जब NADH2 का रिएक्शन होता है ना, जब NADH2 का रिएक्शन होता है, जब NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब जाता है, तो तीन बार हमने बोला कि तीन बार प्रोटॉन्स यहाँ पे पंप होंगे, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। दैट्स व्हाई वी विल गेट 3 ATPs, यहाँ से एक ATP, यहाँ से एक ATP, यहाँ से एक ATP, वी विल गेट 3 ATP। जब FADH2 इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, FADH2 सिर्फ दो ही बार करेगा, FADH2 में एनर्जी उतनी नहीं होती है, वो सिर्फ दो ही बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पंप कर पाएगा, प्रोटॉन सॉरी, दो ही बार प्रोटॉन यहाँ पे पंप कर पाएगा। जब प्रोटॉन यहाँ पे पंप करेगा तो दो ही बार ATP बनेगा, इसीलिए इट विल गिव राइज टू ओनली 2 ATPs। ठीक है, दैट इज एनफ फॉर टुडे, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी को, वी विल रिवाइज इट वंस अगेन। इस पे कोई भी डाउट होते हैं हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।